नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है CTR एक्सटेंशन सेंटर नीलोकेडी के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनूप और आज हम यूनी ग्राफिक्स के नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज का वीडियो जो है दोस्तों वो हमारा रहेगा एक्सट्रूड के ऊपर, 3D की कमांड। जैसे कि मैंने कहा था कि पहले ही पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि 3D की कमांड आज से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आज ये पहला वीडियो है 3D का। तो 3D सॉफ्टवेयर जो भी होता है उसमें सबसे पहली कमांड जो रहती है, जो 3D की फर्स्ट कमांड रहती है, वो रहती है एक्सट्रूड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सट्रूड है, इसका शॉर्टकट भी है एक्स। आप एक्स टाइप करेंगे तब भी आपका ये ऑन हो जाएगा। एक्सट्रूड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब देखिए इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले है सेक्शन, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। तो सेक्शन एक ज़रूरी है, सेक्शन मीन्स आपका कोई स्केच होना चाहिए आपके पास, या तो ऑलरेडी है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है स्केच सेक्शन का, तो आप इस पे जाके क्लिक कीजिए और आपका सेम वैसा ही पैटर्न खुल जाएगा जैसा कि स्केच में खुलता था। वो आपसे प्लेन मांगेगा और उसके बाद आप इसको ओके कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ। अब एक्सट्रूड अगर आपने सॉलिड में करना है दोस्तों, तो सॉलिड में एक्सट्रूड करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है हमेशा, कि आपका जो ये रहेगा सेक्शन रहेगा वो हमेशा क्लोज रहना पड़ेगा, आपको क्लोज रखना पड़ेगा सेक्शन। अगर क्लोज सेक्शन नहीं रहता है तो फिर एक्सट्रूड आप नहीं कर पाएंगे इजीली। अगर सॉलिड में करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो सेक्शन क्लोज होना चाहिए, कोई इंटरसेक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई उसमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का मैंने एक सेक्शन है यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। एक चीज़ इसमें मैं डायमेंशन दे देता हूँ कि जो मिडल वाली डायमेंशन है वो हम इसमें डिफाइन कर देते हैं। इसको मैं 30 कर देता हूँ। सेम डायमेंशन यहाँ पे भी दे देंगे हम। और यहाँ पे ये मैंने बना लिया है। उसके बाद मैं इसको फिनिश कर दूंगा। अब जैसे ही हम इसको फिनिश करेंगे आपका ऑटोमेटिकली एक्सट्रूड वाला डायलॉग बॉक्स जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन होगा। उसमें ये सेक्शन जो हमने बनाया हुआ है वो उसमें सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सेक्शन स्केच कर्व में 8 जो है वो कर्व सिलेक्ट हो रखी है। ये आपका रहता है कितना आपको वैल्यू आप दे सकते हैं इसमें, कि कितना एक्सट्रूजन आपको करना है, एक्सट्रूड जो करना है वो कितना करना है, तो आप कर सकते हैं इसमें। एक्सट्रूड की दोस्तों एक खास बात ये रहती है कि एक्सट्रूड जब भी आप करेंगे वो आपका जो सेक्शन होगा उसके एकदम नॉर्मल होता है। नॉर्मल इन द सेंस कि उसके ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा या तो नीचे वाली डायरेक्शन में होगा, उसके अलॉन्ग किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा। जैसे कि एक्स और वाई में अगर मैंने बनाया है तो वो जेड की तरफ ही हमारा ये एक्सट्रूजन हो सकता है, ना कि एक्स और वाई में से किसी साइड। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन है। डायरेक्शन में आप इसको अपर साइड करना चाहते हैं, लोअर साइड करना चाहते हैं, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, दो वैल्यूज़ है, एक तो स्टार्ट वैल्यू है, एक एंड वैल्यू है। एंड वैल्यू में आप देख रहे होंगे कि 72 जो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है वो 72 आपकी एंड लिमिट होती है। एंड लिमिट का मतलब होता है कि जहाँ से सेक्शन स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है वहाँ तक की वैल्यू कितनी है। अब जैसे देखिए यहाँ पे 110 है, तो ये 110 वैल्यू क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब स्टार्ट में आपको क्या, स्टार्ट में 0 दे रखा है मैंने, अगर मैं यहाँ पे 10 देता हूँ सपोज, तो इसका मतलब होता है कि आप सेक्शन का स्टार्टिंग जो है उससे कितना छोड़ के अपना जो एक्सट्रूजन है वो स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे कि आप देखेंगे तो ये 10 mm ऊपर से स्टार्ट होगा, यहाँ पे मैं 20 दूंगा तो ये 20 mm ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इस तरह से करना है कि आपका प्लेन किसी दूसरी जगह पे है लेकिन आपको उसके पैरेलली कहीं आगे से एक्सट्रूड करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप रिब वगैरह अगर आपने बनानी है तो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हो कि सेंटर से रिब होती है लेकिन हमारे पास सेंटर प्लेन नहीं है,
तो हम साइड से ही उसको बना सकते हैं। सेकंड थिंग है कि अगर मैं इस वैल्यू को माइनस में देता हूँ तो वो उल्टी साइड को एक्सट्रूड हो जाता है। ये कहाँ यूज़ होगा? जब भी आपके सेक्शन के एक साइड में आपको दोनों साइड में डिफरेंट डिफरेंट आपको एक्सट्रूजन करनी है। जैसे एक साइड में 45 दे रखा है, दूसरी साइड में आपको कितना दे रखा है, वहाँ पे 30 दे रखा है, तो वो आप इसमें मैनेज कर सकते हो जब दोनों साइड अलग अलग एक्सट्रूजन आपको करनी है अपोजिट साइड्स में। उसके बाद एक और चीज़ होती है हमारी सिमेट्रिक वैल्यू। सिमेट्रिक वैल्यू का मतलब होता है 70 जितनी भी वैल्यू देंगे आप वो दोनों साइड बराबर जाएगी, अपर साइड भी 70 जा रही है, लोअर साइड भी 70 जा रही है। तो ये सिमेट्रिक वैल्यू का कमाल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको ओके। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बुलियन ऑपरेशंस हैं, लेकिन जब भी आपकी सिंगल बॉडी होती है तो बुलियन ऑपरेशन आपके काम नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम सेकेंड बॉडी जब हम यूज़ करेंगे तब मैं इसको अभी थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप इसको मोर कर सकते हैं। मोर करने से आपके पास नई कमांड्स आ जाएंगी यहाँ पे, कुछ जो हिडन रहती हैं। जैसे कि देखिए ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब क्या है कि आप ड्राफ्ट जो है आप एक अलग तरह का अलाउंस होता है जो आपको जब आप मोल्ड के कंपोनेंट्स बना रहे हैं या प्रेस टूल के कंपोनेंट्स बना रहे हैं उसमें आपको देना पड़ता है। तो स्टार्ट लिमिट का यहाँ पे ऑप्शन है, उससे आप 2 डिग्री, जैसे स्टार्ट लिमिट यहाँ से स्टार्ट हुई थी तो वो 2 डिग्री आपका यहाँ से ये हो रहा है एक्सट्रूड। अगर यहाँ पे आप क्या करेंगे फ्रॉम सेक्शन, तो सेक्शन जहाँ से बना है वहाँ से 2 डिग्री चले गए। देखिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है, सॉरी फ्रॉम सेक्शन में एक और ऑप्शन था मल्टीपल का। अब मल्टीपल में क्या होता है कि आप हर एक फेस पे अलग अलग जो है वो देख सकते हैं ड्राफ्ट। उसके बाद हमारे पास क्या है, फ्रॉम सेक्शन असिमेट्रिक एंगल। असिमेट्रिक का मतलब क्या है, सिंगल करते हैं, इसमें भी मल्टीपल का ऑप्शन है। असिमेट्रिक एंगल का मतलब क्या है कि जहाँ पे हमारा सेक्शन है वहाँ से ऊपर वाली साइड को हमारा एंगल अलग रहेगा और नीचे वाली साइड को हम अलग एंगल कर सकते हैं। देखिए ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा क्या है, फ्रॉम सेक्शन सिमेट्रिक एंगल, इसमें दोनों साइड बराबर एंगल रहेगा। जो मैंने 5 डिग्री यहाँ पे दे रखा है तो वो दोनों साइड के लिए सेम एंगल है। उसके बाद हमारा रहता है मैच्ड एंड। इसमें क्या होता है कि आपके एंड जो है वो मैच करते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे ये देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ असिमेट्रिक एंगल, यहाँ पे कुछ और था, उसके बाद हम कर देते हैं सिमेट्रिक एंगल, जिसमें मैं क्या कर देता हूँ बस ये। अब ये वाली जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है ये दोनों अलग अलग जगह पे है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें मैच एंड करूँगा तो वो दोनों एक साइड पे आ जाएंगे, एक सीध में आ जाते हैं, तो एंड जो हैं वो मैच करेंगे। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। अब उसके बाद हमारे पास होता है ऑफसेट की कमांड। ऑफसेट बेसिकली आपका यूज़ होता है जब भी आपने किसी बॉडी के अंदर वॉल्स क्रिएट करनी है, लाइक जैसे सिंगल साइडेड। अब सिंगल साइडेड में जैसे 5 का मतलब अभी आपको यहाँ पे नहीं पता चला होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं F8 दबा देता हूँ। ये देखिए जहाँ पे हमारा सेक्शन बना था उससे 5 mm जो है वो बाहर की साइड पर हमारा सेक्शन बन रहा है, पूरा एक्सट्रूड वहाँ से हो रहा है। यहाँ से मैं -5 करूँगा तो अंदर वाली साइड को हो जाएगा ये। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, अगर आप किसी को ऑफसेट करके एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह एक डबल साइडेड होता है। डबल साइडेड में क्या होता है कि आप दोनों साइड कर सकते हैं। आप ये यहाँ से 5 mm जो था वो बाहर की साइड है, अंदर की साइड आपको चाहिए तो -5 करना पड़ेगा। ये देखिए तो इसमें वॉल्स क्रिएट हो जाएंगी, अंदर खाली रहेगा, पूरा हॉलो सेक्शन बन जाएगा आपका विद सम थिकनेस। इसी में सिमेट्रिक ऑप्शन भी है, दोनों साइड बराबर चलेगा। जैसे 5 mm है तो 5 mm अंदर, 5 mm बाहर। ये देखिए उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसको मैं नन कर देता हूँ। सेटिंग्स में जाते हैं, सॉलिड को शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। शीट का मतलब होता है आपका सरफेस। तो इसमें अलग अलग कोई कमांड नहीं है, सरफेस और सॉलिड के लिए सेम ही एक्सट्रूजन की कमांड है। तो इसमें अगर आपको चेंज करना है बाद में जाके तो आप कर सकते हैं। सॉलिड जैसे मैंने बनाया है ओके करके वापस आपको एडिट करके शीट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखिए इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक चीज़ बनाते हैं हम।
कुछ कमांड्स क्योंकि रह गई हैं, बुलियन ऑपरेशन जो है उनको हम करके देखेंगे। तो ये देखिए, अब देखिए बुलियन ऑपरेशंस में ऑटोमेटिकली यहाँ पे इन्फेरेड है। इन्फेरेड का मतलब होता है जिस तरह की आपकी सिलेक्शन है, सिलेक्शन इन द सेंस कि अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ, अब जैसे देखिए ये ऊपर की साइड को जा रहा है तो ये दोनों बॉडीज़ जो हैं आपस में ऐड हो सकती हैं सिर्फ, तो उसने ऑटोमेटिकली यूनाइट लगाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब यूनाइट का मतलब क्या होगा, दोनों बॉडीज़ को ऐड कर देगा, वो एक बॉडी बना देगा दोनों में जोड़ के। इसी को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा और डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ यहाँ से, पीसी मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है उसकी वजह से ये आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल रहा है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए अब ये निचली साइड को मुझे चेंज करना पड़ गया इसको, मुझे क्योंकि बॉडी के अंदर जाएगा तभी सब्ट्रैक्ट कर पाएगा। ये देखिए अब इसको क्या करता हूँ मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ। प्रीव्यू ऑप्शन है हमारे पास, प्रीव्यू में जाके जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ये हमें शो होगा, कट होके शो हो जाएगा हमें। देखिए यहाँ पे ये हमें शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अब इसके अंदर क्या है हमारा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट की जगह पे क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट की जगह पे अगर मैं इंटरसेक्ट करता हूँ तो इंटरसेक्ट में क्या होगा, दोनों बॉडीज़ जो हैं, ओके कर देता हूँ एक बार, तो दोनों बॉडीज़ का वो क्या करेगा, एक कॉमन पोर्शन जो है वो आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देगा। तो ये आपके बुलियन ऑपरेशन होते हैं, एक यूनियन है, एक सब्ट्रैक्शन है, एक इंटरसेक्शन है, जिसमें यूनियन में दोनों बॉडीज़ ऐड हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट में एक बॉडी दूसरी बॉडी में से सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और थर्ड वाले में क्या होता है कि दोनों का जो कॉमन पोर्शन होता है वो हमको दिखाई देता है। अगर इसको आप एडिट करना चाहते हो तो आप डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके बुलियन ऑपरेशन यहाँ पर काम करते हैं। सेकेंड थिंग आपके पास क्या आती है, यहाँ पर वैल्यू में अगर हम जाएंगे, पीसी आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत कर रहा, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की कमांड्स भी करेंगे और एक्सट्रूड का काम करके एक्सट्रूड के साथ हम अगले जो है कोई पार्ट भी बना के देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत है या कोई भी आपको परे